Robert, cross yard. Hey, what's up guys, welcome back to my new vlog. This is Bobby from Bobby Rider. तो यार अपन अभी तैयार हो गए आज, और हाँ मैं तो भूल ही गया, सभी को बॉबी राइडर की तरफ से यानी कि बॉबी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामना आप सभी को। और अभी हम जा रहे हैं, अब थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक सिल्वर ब्यूटी को देखने जा रहे हैं, तो मिलेंगे हम वहीं पर सिल्वर ब्यूटी के पास में डायरेक्टली। तो चलो अभी तो अपन निकलते। और हाँ, मेक श्योर आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। और अभी हमने सारी तैयारी कर ली है, जैकेट पहन लिया है, तो अपन अभी मिलेंगे हमारे डायरेक्ट व्लॉग की तरफ सिल्वर ब्यूटी के पास में। सो लेट्स गो। तो गाइस यहां पर आ गए अपन घर से निकल के, तो अभी अपन चल रहे हैं, तो फुल लीन करने वाले हैं बस, बाकी कुछ हो नहीं यार। जय माता जी। वाइजर बंद करते हैं, आप राइड का मजा लो। यार आज 1 तारीख है ना, इसलिए ज्यादा भीड़ हो रही है, अदरवाइज इतनी भीड़ रहती नहीं है यहाँ पर। यार मैंने सोचा न्यूट्रल में निकाल देते हैं, क्योंकि आज क्या भीड़ ज्यादा है इसलिए यहाँ पर लीन इतनी ज्यादा हो नहीं सकती अभी लाइन टू लाइन। बट हाँ फिर भी न्यूट्रल करने में फायदा यही है कि आगे से अभी बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उनको, धुरंधर आ रहे होंगे, महान इंसान, ज्यादातर ये वेन वाले ही आते, इसलिए मैंने सोचा एक बार न्यूट्रल कार ही देते है। बुलेट वाले भाई साहब को, भाई ये देखो उसकी टांग देखो यार कितनी, मतलब फटाफट चल रही है गियर हटाने के लिए। भाई ऐसे कभी गाड़ी मत चलाना, देखो ऐसी उतार पे तब तक ऐसी गाड़ी मत चलाना जब तक कि तुम्हें बिल्कुल ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो जाओ लाइन टू लाइन मार्किंग करने का, तभी लीन करना, अदरवाइज लीन मत करना। देख रहे हो भाई इतनी भीड़ है, उसमें लीन करना बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, इसलिए सेफ्टी रखो सबसे पहले। ऑलमोस्ट हिट गाइस, ऑलमोस्ट, मतलब ये दिक्कत हो जाती है कभी कभी, देख लिया। यार ऐसा मत करना, मैंने गियर बदलना भूल गया और मैं फोर्थ गियर पर ओवरटेक करने की सोची और सामने वाले ने स्पीड एकदम बढ़ा ली, तो यार ये कभी कभी हो जाता है कि हमें एकदम पैनिक ब्रेकिंग भी करनी पड़ती है। तो गाइस फाइनली हमें एक KTM राइडर मिला है, तो मिलते हैं भाई से। अरे हम कहाँ का है भाई? वो दिल्ली का है भाई, दिल्ली का है, प्योर फुल किट पहन के दिल्ली से आए भाई साहब। तो गाइस अपन को एक राइडर मिले हैं KTM वाले, KTM वाले भाई साहब मिले हैं हमें।
ऐसा बहुत कम होता है कि दिल्ली वाले मिलते हैं हमको, तो एक दिल्ली वाले भाई साहब मिले हमें, तो इनसे बात करेंगे अपन। मे भी इनका कोई चैनल होगा, और होगा तो जरूर पक्की बात होगा, तो मिलेंगे इनसे। ये जहाँ जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं हम भी। हाँ मैं श्योर हूँ कि मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ पे ये इंसान जा रहा है भाई। लड़की है लड़का है? अरे उन्होंने यार ये लड़की है कि लड़का है यार मुझे ये नहीं पता क्योंकि यार बहुत ज्यादा स्लिम है, स्किनी बहुत ज्यादा है और समझ में नहीं आ रहा है लड़की है लड़का है। दस मैं थोड़ा बात करने में भी थोड़ा हो रहा हूँ। हाँ फिर भी देखते हैं कहाँ जा रहा है ये रुका था अभी तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। आई थिंक होटल ही जा रहा होगा ये कहीं ना कहीं। आई थिंक यार ये लड़की है RDL 9S। तो यार अपन से बात नहीं कर पाए पेटीएम राइडर से क्योंकि वो शायद उधर होटल की तरफ चले गए। उधर पूरे क्या रिसोर्ट्स आ जाते हैं बड़े बड़े, इधर हमारा सारा घाट स्टार्ट हो जाए पुष्कर का, तो वो रिसोर्ट साइड चले गए शायद तक, रिसोर्ट साइड चले गए उधर और हम इधर आ गए। हमारा रास्ता इधर था, हम उधर इतना दूर नहीं जा सकते थे तो बात तो नहीं हो पाई। बट हाँ गाड़ी के नंबर आ गए तो हम उन्हें जरूर अप्रोच करेंगे इंस्टाग्राम पर, तो लेट सी क्योंकि RTO की साइड से मिल जाते हैं नंबर से ऑनर का नेम, तो नेम सर्च करके उनको जरूर सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, मे भी मिल जाएंगे। सो गाइज यार एक्चुअली जिस सिल्वर ब्यूटी को हम देखने जा रहे थे वो एक्चुअली उनके ऑनर घर पर नहीं मिले मुझे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आगे चला जाए, लेकिन मुझे क्या मिला वो बहुत बेहतरीन था सच में। आपको आगे पता पड़ जाएगा थोड़ा सा आगे देखोगे तो। सो गाइज देख रहे हो GSX 750, यकीन मानो इन भैया को मैं पुष्कर से पीछा करते करते आया हूँ और ये मुझे यहाँ पर मिले, ठीक है ना। GSX 750 सुजुकी देख रहे हो गाइस, इंजन स्कॉर्पियो का एग्जॉस्ट लगा रखा है, मतलब यार कातिल है भाई। मैं ना इनके पीछे भागते भागते यहाँ तक आया हूँ और ये भैया मेरे को ना हंस रहे हैं अभी, मतलब इतना हंस रहे हैं मुझे, मतलब पीछा करते करते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अजीब हो गया। तो GSX 750 से मिल ले हो आप, आवाज सुनोगे? एक बार आवाज सुना दो यार इनको। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेंड्स गाड़ी की रोरिंग देखो यार कितनी शानदार है। तो भैया से अपन जल्दी मिलेंगे फिर से, और जो भी भैया के पास में है वो मैं सब बताऊंगा, तो इनको तो पूरा चूसने वाला हूँ, ठीक है ना, पूरा चूसने वाला हूँ इनको मैं। और अभी मिलेंगे इनसे वापस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राम राम, मिलेंगे वापस बॉबी राइडर के साथ, बाय बाय।